सो गाइस सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4 जो कि 27,000 रुपीज में सैमसंग ने लॉन्च की थी, वो आज की डेट में सिर्फ 7,000 रुपीज के अराउंड मिल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। इवन सैमसंग की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 10,000 रुपीज के अंडर ही देखने के लिए मिल जाती है। और अभी काफी सारी सेल्स आने वाली है इंडिपेंडेंस डे, इवन बिग बिलियन डे। तो क्या आज की डेट में आपको ये सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4 ले लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए अदर सेल का, और क्या ये इस प्राइस रेंज में वर्थ है कि नहीं, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो देखो सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4 एक प्रॉपर एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच आपको मिलती है। ये कोई स्मार्ट बैंड नहीं है जो कि आपको वॉच की शेप में मिलता है, जैसे कि 5,000-7,000 रुपीस तक की कंप्यूटर स्मार्ट वॉच आपको मिलती है। तो इसके अंदर प्रॉपर एंड्रॉइड का वीयर ओएस दिया हुआ है, प्रॉपर आप एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्मार्ट वॉच है और मैंने इसको बाय किया था 7,200 या 7,300 रुपीस के आसपास, और कार्ड डिस्काउंट पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, और नॉर्मली भी 8,000-9,000 के आसपास मिलती है। बिल्ड क्वालिटी इस वाली वॉच की बहुत ज्यादा प्रीमियम है, लाइक बेस्ट स्मार्ट वॉच है इस वाले प्राइस रेंज में जो सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास DX प्लस इसके अंदर देखने को मिलता है फ्रंट के ऊपर। जितने डिस्प्ले पे बेजल्स आपको इमेज में दिखेंगे उतने ही एक्चुअल में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी अदर ब्रांड की तरह एप्पल वॉच जितने बेजल दिखा दिए और एक्चुअली में बड़े बड़े बेजल निकले। बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अच्छा खासा साइज भी है, ब्राइट हो जाता है आउटडोर्स में भी, ऑटो ब्राइटनेस सेंसर वगैरह भी है, और इनडोर में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऊपर वाले बटन को प्रेस करके रखते हो ना तो बिक्सबी ऑन हो जाती है, और नीचे वाले बटन को प्रेस करके रखोगे तो कुछ नहीं होता है बेसिकली, आप शायद उसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। नीचे से इस तरीके से मेन्यू वगैरह आ जाता है और देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब हमारे पास ना वॉच 4 क्लासिक भी है और उसके अंदर ना रोटेटिंग बेजल मिलता है, और इसके अंदर भी रोटेटिंग बेजल जैसी फंक्शनलिटी अगर आप इसके एजेस पे इस तरीके से स्क्रॉल करते हो तो इस तरीके से ये अप डाउन करती है। इसके अंदर आपको सैमसंग की बहुत सारी एप्स दिख रही होंगी, सैमसंग ने इसमें ब्लूटवेयर दिया है। इसमें आपको प्ले स्टोर मिल रहा है, मींस कि आप जो कंपेटेबल एप्स है उनको डाउनलोड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्कआउट वाली एप्स हो गई, और आप अपने फोन में भी एप्स को डाउनलोड करोगे ना तो वहीं पे वॉच में डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट वन क्लिक ऑफ अ बटन आप वॉच में भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर एक सेंसर देखने को मिलता है जिससे आप ना पूरा बॉडी कंपोजिशन ले सकते हो, जस्ट अपने फिंगर को कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे सारी बॉडी के बारे में चीजें दिखा देगा कि वेट कितना है आपका, वेट ऑब्वियसली आपको ऐड करना पड़ता है, स्केलेटल मसल, बॉडी फैट परसेंटेज, BMI, बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इवन आप हार्ट रेट मॉनिटर तो कर ही सकते हो, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो, इवन की ब्लड प्रेशर भी ये वाली वॉच आपको बता सकती है। स्लिम मॉनिटरिंग के बहुत बढ़िया यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, तो जो डेटा आपको मिलेगा वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू बाकी स्मार्ट वॉचेज जो जस्ट एक स्मार्ट बैंड है, ठीक है। तो एप्पल वॉच लेवल की आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगी। वैसे मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 7 सेलुलर वाली है ये, ठीक है, और 45mm की है, 50,000 के आसपास की ली थी, उसी लेवल की एक्यूरेसी यहाँ पे दे रही है। दोनों वॉच को मैंने एक एक हाथ में पहन के इसकी एक्यूरेसी चेक की थी, तो बहुत बड़े तरीके से काम करती है। वेदर्स वगैरह चेक कर सकते हो, कैलेंडर्स वगैरह, एंड जो बेसिक सारी चीजें ना वो कर सकते हो, स्ट्रेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह। इवन कि इसके अंदर ना आप गूगल मैप्स भी चला सकते हो, जस्ट आपके फोन से कनेक्टेड होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास जो वॉच है ये ब्लूटूथ वाली है, इसमें एक LTE वेरिएंट भी आता है। LTE वेरिएंट का उतना ज्यादा कोई काम नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास सेलुलर है, मैं कभी भाई ज्यादा इसको यूज नहीं करता, बस विदाउट फोन के कॉल आप कर सकते हो, वो चीज है, ठीक है। अलार्म वगैरह तो सेट कर ही सकते हो, और अपने बर्ड्स वगैरह को भी सब यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। सैमसंग का इकोसिस्टम बड़ी अच्छी तरीके से काम करता है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, टाइल्स अलग अलग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कॉलिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, डायल पैड भी देखने को मिलता है, डायरेक्टली यहीं से आप कॉल भी कर सकते हो, इनबिल्ट स्पीकर भी है, माइक्रोफोन भी है, उसकी क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी आ जाती है। 20mm का स्ट्रैप मिल जाता है, इसको आप इजीली प्रेस कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लगता है हाथ के अंदर। देखो ज्यादा इसको आप यूज करोगे, हाथ में पहनोगे ना तो दिक्कत होती है, हाथ में ऐसे निशान वगैरह आ जाता है, क्लोथ वाला जो बैंड वगैरह आते हैं ना तो उनसे आप रिप्लेस वगैरह कर सकते हो। और थोड़े से पहनने में ना ऐसे ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी वॉच लगती है, एप्पल वॉच की तरह एकदम ऐसे टाइटली फिट नहीं होती है हाथ पर, तो थोड़ा सा गैप रहता है लेफ्ट राइट में। वॉच फेसेस वगैरह बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप इस एप्पल वॉच में नहीं कर सकते। एप्पल वॉच में क्लॉकोलॉजी वाली ऐप होती है, उसमें कर सकते हो, लेकिन वो ना लाइक रहती नहीं है, वो हट जाता है थोड़े टाइम बाद वॉच फेस। वैसे यार आपको पता होगा हमारे हर्ष भाई हैं, वो वॉच 4 क्लासिक यूज करते हैं जो कि हमारे इस सैमसंग फोल्ड 4 के साथ हमने ली थी 3,000 के अंदर, अब वाला ऑफर नहीं आ रहा है सैमसंग के फोन्स के साथ। उसमें हर्ष भाई ने बेन 10 वाली ऐप डाली हुई है, अलग अलग ऐसे करके रोटेट करते हैं वेजल को, तो भाई बहुत ज्यादा कमाल का लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर हम शॉर्ट्स भी बनाने वाले हैं, तो वो फंक्शनलिटीज वाली में भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ वो वाला फील आपको नहीं आएगा रोटेटिंग बेजल वाला, जो कि फिजिकली बेजल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट प्राइस बहुत ज्यादा कम है इसका। इस वाली वॉच के अंदर लाइक बहुत ज्यादा सेंसर देखने के लिए मिलते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इवन NFC भी इसके अंदर मिल जाता है आपको। इसके अंदर शायद गूगल पे काम नहीं करता, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा वो काम नहीं कर रहा है। इसमें ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन वाला फीचर तो मिलता है, जैसे एप्पल वॉच में मिलता है ना, तो वो जैसे आप रनिंग वगैरह कर रहे हो 10 मिनट्स वगैरह तक भी ना, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो वो कैलकुलेट करता रहेगा, आपको ऐसे मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं।
नहीं है, बहुत सारे 60 प्लस यहाँ पे वर्कआउट मोड है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। ब्लूटूथ 5.0 है इसके अंदर, कनेक्टिविटी वगैरह बहुत बढ़िया है। सैमसंग की ऐप के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे ट्विक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसमें आपको ना सैमसंग के फोन की तरह ही सेटिंग मिलती है और वैसा वन यूआई जैसा इंटरफेस है, वो बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। सैमसंग ने इसमें 4 ईयर्स के अपडेट्स यहाँ पे प्रॉमिस किए हुए हैं, ठीक है। तो 2 साल पुरानी ये वॉच हो चुके, तो अभी भी इसके अंदर आपको 2 मेजर ओएस अपडेट्स मिलेंगे, तो 2 साल तक ये वाली वॉच आपके लिए वैलिड रहने वाली, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है, वॉच के हिसाब से। बैटरी लाइफ देखो यार, काफी ज्यादा कम चलती है इसकी, क्योंकि इसमें जो बैटरी एमएएच है वो तो देख ही सकते हो, लाइक इस वाले प्राइस रेंज में सबसे कम मिलती है। लेकिन लाइटेस्ट है ये, 30 ग्राम्स के आसपास की वॉच है, क्योंकि इसके जो मटेरियल्स है वो काफी ज्यादा हल्के हैं। बैटरी लाइफ लेकिन एक ही दिन की आपको मिलती है, तो रेगुलरली डे बाय डे आपको चार्ज करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का चार्जर आपको मिलेगा, और टाइप सी वाला चार्जर नहीं है, टाइप ए वाला है, तो शायद 2 चार्जर भी आपको कैरी करने पड़ जाए अगर आप कहीं जा रहे हो तो, क्योंकि कोई यूएसबी सी वाले चार्जर भी आ रहे हैं ना आजकल। वाईफाई 5 का सपोर्ट है इसके अंदर, और आप इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड भी कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई पे, और इसमें आप वाईफाई के ऊपर अगर आप कनेक्टेड हो तो इसमें आप यूट्यूब पे वीडियोज भी चला सकते हो भाई, तो वो काफी कमाल की बात है। वो मोबाइल डेटा पे काम नहीं करता है, वो अपने वॉच 4 क्लासिक जो LTE वाली है ना हमारे पास, उसमें चेक किया था। रैम स्टोरेज की बात कर रहे थे, इसमें 1.5 GB की रैम मिलती है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज, इसमें 7-8 GB यूजेबल है, और आप ना इसमें गैलरी वगैरह भी यूज कर सकते हो, और सैमसंग के अपने फोन से जो डेटा वगैरह है वो इधर उधर भी कर सकते हो भाई। और ऑब्वियसली सैमसंग की वॉच है तो नॉक सिक्योर्ड वगैरह भी शायद ये हो सकती है। हर वॉच की तरह ये भी 5ATM और IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आती है, तो पानी में कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि स्विमिंग वाले मोड्स वगैरह भी मिलते हैं। इस सैमसंग की वॉच में एक फीचर ऐसा है जो कि एप्पल की 30,000 की वॉच में भी नहीं मिलता, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप सेट कर सकते हो इसके अंदर। हमारे पास जो गैलेक्सी वॉच क्लासिक है ना, उसके अंदर पिक्सल बर्निंग का इशू देखने के लिए मिला था, जो कि मुझे 1 साल में एप्पल वॉच में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। पिक्सल बर्निंग क्या होता है कि जो आप ना स्क्रीन खोलते हो ना, वो छपी रह जाती है बाकी फोन के मेन्यू वगैरह में, उसको पिक्सल बर्निंग कहते हैं। वैसा इशू इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसी सीरीज की ये वॉच है। तो हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा सा कम ही यूज करना भाई इसमें, और बैटरी ज्यादा लाइफ चलानी है तो पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो। एंड ओवरऑल मेरे को बहुत ही बढ़िया डील लगी है, लाइक आज की डेट में भी अभी भी आप स्मार्ट वॉच को 7-8 हज़ार में लेते हो, बेस्ट डील है, लाइक इससे बढ़िया स्मार्ट वॉच आपको नहीं मिल सकती फॉर द प्राइस। और एप्पल वॉच से आप इसको कंपेयर करोगे तो एप्पल वॉच इस वाली प्राइस रेंज में मिलेगी ही नहीं, मिनिमम आपको 25-30 हज़ार में खर्च करने ही पड़ेंगे उसके लिए, तो उससे माइल्स बेटर है। और 95% जो एप्पल वॉच कर सकते हो सारी चीजें ये करके दे देती है, तो काफी अच्छी डील है, ले लेना। वीडियो पसंद आता लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना इस चैनल को, ऐसी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।